दोस्तों आज का हमारा वीडियो का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है मिक्सर की कंप्लीट वायरिंग आज हम लोग करना सीखेंगे। मिक्सर मतलब दोस्तों जो हर किसी के घरों में मिक्सर अवेलेबल होती है, और इसके बारे में आज हम लोग शुरू से लास्ट तक देखेंगे। सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं कि मिक्सर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों मेरे पास मिक्सर है, ठीक है दोस्तों, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा रोटरी स्विच होता है जिससे हम लोग इस मोटर की स्पीड को कम ज्यादा करते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा मिक्सर के पीछे की तरफ एक रेड कलर का पुश बटन लगा होता है, वो हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा मिक्सर में लगा होता है दोस्तों यूनिवर्सल मोटर, ठीक है दोस्तों। ये यूनिवर्सल मोटर की खासियत ये है कि ये हमारी एसी और डीसी दोनों पे काम करता है, ठीक है दोस्तों। ये उस मोटर की वायरिंग है, ठीक है, इसमें चार वायर निकाला गया है ये यूनिवर्सल मोटर से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग इसका देख लेते हैं कंप्लीट वायरिंग, चलिए। हाँ तो दोस्तों देखिए, अभी हम लोगों ने मिक्सर को देखा, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो देखा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा रोटरी स्विच होता है, इसमें चार टर्मिनल्स होते हैं। रोटरी स्विच में तो आप देखे बहुत सारे वायर कनेक्ट है, इसमें चार टर्मिनल होते हैं। उसको आइडेंटिफाई कैसा करेंगे, तो मल्टीमीटर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं तो रोटरी स्विच के ऊपर कुछ नंबरिंग लिखा होता है, जैसे ये P1, 2, 3 इस प्रकार से नंबरिंग किया हुआ होता है, ठीक है दोस्तों। यूनिवर्सल मोटर में चार वायर निकाली होती है जैसे कि हम लोगों ने देखा, और ये हमारा ये होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन है, और एक हमारा लैंप है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसकी वायरिंग कर लेते हैं। ये जो हमारी यूनिवर्सल मोटर में चार वायर निकला होता है दोस्तों, तो आप लोग मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी हमारी स्पीड की है, कौन सी लो की है, कौन सी मीडियम की है, और कौन सी न्यूट्रल है, ठीक है दोस्तों। आप लोग वन बाय वन मल्टीमीटर से चेक करिएगा, जिसमें सबसे ज्यादा अधिक रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा न्यूट्रल होता है दोस्तों। उसके बाद से जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होएगा दोस्तों, वो हमारा लो, मीडियम और हाई होता है, ठीक है दोस्तों। वैसे तो मैं नंबरिंग कर दिया हूं, जो हमारा ब्लैक कलर का है वो हमारा न्यूट्रल है, जो हमारा ब्लू कलर का है वो हमारा लो का है, जो हमारा येलो कलर का है ये हमारा मीडियम है, और जो हमारा रेड कलर का है वो हमारा फुल स्पीड का है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी वायरिंग कर लेते हैं, कैसे वायरिंग होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहां से एक फेस लाके ये जो रोटरी स्विच का पी है दोस्तों, उसमें हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और यहीं से एक फेस लाके वो हम लोग एक लैंप में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा ये तीन नंबर का जो टर्मिनल है दोस्तों, ये हमारा हाई स्पीड का है, तो इसको हम लोग ला के रेड में कनेक्ट कर देंगे। दो नंबर का हमारा ये हमारा है मीडियम का, इसको ला के हम लोग येलो वाले में कनेक्ट कर देंगे। वन नंबर का है दोस्तों, ये हमारा है लो का, तो इसको ला के हम लोग ब्लू वाले में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हम लोग न्यूट्रल की वायरिंग, तो यहीं से हम लोग एक न्यूट्रल ले लेंगे। हम लोग को पता ही है लैंप को चलाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, फेस और न्यूट्रल, ठीक है दोस्तों। तो यहीं से हम लोग एक लैंप में कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो न्यूट्रल है इसको हम लोग डायरेक्ट यूनिवर्सल मोटर में नहीं कनेक्ट करेंगे। क्यों नहीं कनेक्ट करेंगे दोस्तों, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इसको एक न्यूट्रल को ला के हम लोग ओवरलोड प्रोटेक्शन का जो लगा हुआ है उसमें कनेक्ट करेंगे, और यूनिवर्सल मोटर का न्यूट्रल से ला के इसके आउटगोइंग में कनेक्ट कर देंगे। ये क्यों करते हैं दोस्तों, कभी हमारा मिक्सर ओवरलोड होने लगता है तो उस केस में ये हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन जो होता है ये हमारा ट्रिप कर देता है, और उसको हमारे यूनिवर्सल मोटर को सप्लाई नहीं देता है, जिससे हम लोग की मोटर जलने से बच जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये कभी ट्रिप हो जाए, मोटर नहीं चले, तो आप लोग मिक्सर को ऐसा उल्टा करके आप लोग ये बटन पुश बटन होता है इसको प्रेस करके आप लोग एक बार प्रेस कर देंगे तो ये रिसेट हो जाएगा, वापस से अपने नॉर्मल पोजिशन में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये जो हमारा है ये हमारा अर्थिंग का होता है, ठीक है दोस्तों। ये अर्थिंग का वायर ला के हम लोग यूनिवर्सल मोटर के बॉडी में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही हम लोग टॉप लगाएंगे तो ये हमारी सप्लाई ये रोटरी स्विच के पावर वाले टर्मिनल में आ जाएगी, और ये हमारा लैंप ग्लो होने लगेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से जैसे ही हम लोग वन पे सेलेक्ट करेंगे, ये हमारी जो यूनिवर्सल मोटर है ये हमारी लो स्पीड में घूमेगी। जैसे ही हम लोग रोटरी स्विच को दो नंबर पे सेलेक्ट करेंगे, ये हमारी यूनिवर्सल मोटर है जो वो मीडियम स्पीड में घूमने लगी। जैसे ही हम लोग तीन नंबर पे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों,
तो ये हमारी यूनिवर्सल जो मोटर है ये सीधा हम लोग की फुल स्पीड में घूमने लगी। तो देख लिए दोस्तों कि ये हमारी यूनिवर्सल मोटर की ऐसे वायरिंग होती है। अगर कभी आपका मिक्सर खराब हो तो आप लोग खुद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।